अभी रिसेंटली में ही गाइस मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, और यार उतने में ही यार मेरे फ्रेंड्स आ गए मेरे घर पे सुबह के 4 बजे, और भाई आके कहने लगे कि चलते हैं यार धोड़ी घाट घूमने। तो हम लोग यार कार में बैठ के यार निकल गए धोड़ी घाट की तरफ। धोड़ी घाट पड़ता है कानपुर से लखनऊ हाईवे के बीच में, लोकेशन यहाँ पर आ गई होगी। तो यार हम लोग कार में थे, और जाने में हम लोग को कुछ लगा था अराउंड आई वुड से 1 आवर 37 किलोमीटर्स की ड्राइव है। और मैंने छोटा सा व्लॉग बनाया है आप लोगों के लिए धोड़ी घाट दिखाने के लिए, एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस इन कानपुर जो आप लोग भी विज़िट करो। और काफ़ी मज़ेदार जगह हैं यार ये सब, काफ़ी हिडन में है ये, ज़्यादा लोग इसके जगहों में नहीं जानते हैं इन जगहों के बारे में। सो इसी वजह से ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग रहेगी, ये एक पूरी सीरीज़ होने वाली है मेरे चैनल के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर। और भाई कैसे सो भाई गाइस दिस इज द लोकेशन। भाई इतना ज़्यादा गहरी गलियों में था, और ये भाई एक फ्रेंड मिल गया हम लोगों को। क्या नाम है तेरा? जो भी हो, हैप्पी टू मीट यू। काट नहीं साले। और ये है भाई लोकेशन, और भाई दिस लुक्स एब्सोल्युटली मैजेस्टिक भाई, नॉट गोना लाई। काफ़ी बढ़िया लोकेशन है, बस बहुत ही ज़्यादा अंदर है यार, आने में बड़ा ही लफड़ा होता है, बहुत टाइम भी लगता है। बट लाइक अभी सनराइज़ होगा ना भाई, एक नंबर लुक आएगा यार सच्ची। इस साइड अपना ये घाट वाली साइड है, उस साइड क्या है सिद्धार्थ? शमशान। उस साइड भाई शमशान घाट है। यहाँ पे भाई एक बोट भी डली हुई है पूरी बची हुई, एंड हम लोग अभी टाइम लैप्स पे कैमरे को लगा दिए हैं, उसका टाइम लैप्स अभी आपको देखने को मिल जाएगा। एंड द प्लेस इज़ वेरी नाइस, वेरी चिल। अगर आप लोग 6 बजे के आसपास आते हो ना, तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको यहाँ पे। एक बात है बस कि ये थोड़ा बहुत ही ज़्यादा डीप है, यानी अगर आप हाईवे से उतरोगे, हाईवे से उतरने के बाद अराउंड आधे घंटे की ड्राइव और है, और जो ड्राइव है ना भाई उसकी रोड एकदम बजी हुई है, एकदम ख़त्म है। गांव से निकलना होता है तो रात के टाइम, अगर सुबह के टाइम अगर आप आते हो 5 बजे के बाद, तो थोड़ा सा आपके लिए इशू हो सकता है अंधेरे में गाड़ी चलाने का, बिकॉज पूरा अंधेरा है। यानी बाइक से आना तो मुझे लगेगा कि समझ ही नहीं आएगा आपको, बाइक से आने में इतनी परेशानी होगी। तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप आ रहे हो तो थोड़ा लेट आ जाओ, यानी 5:30 तक आ जाओ आप। यहाँ पे भाई ये नदी टाइप की है, ये एक्चुअली वही वाली है जो ध्रुव टीला साइड से कनेक्ट करती है, एंड दिस लुक्स एब्सोल्युटली नाइस। तो आग दिखाओ भाई अपनी। अबे भाई लुक आता है तुम्हारी आग का भाई। ये यहाँ पे बता दूँ मैं, बोट वोट राइड यहाँ पे होती नहीं है, बोट है ज़रूर बट मनी बोट चलती नहीं है यहाँ की। और अगर आप आ रहे हो तो सनराइज़ के लिए आना, और मैं सजेस्ट करूँगा कि देखो यहाँ जब सनराइज़, जैसे मान लो अगर आपने ऑनलाइन देखा 6:20 पे हो रहा है, टाइम निकाल के आना आप लोग कि आराम से यहाँ पे रुक पाओ। बस जैसे अभी सनराइज़ नहीं हुआ है, ऑनलाइन दिखा रहा है 6:19 पे, अभी हो गया है 6:30, अभी तक प्रॉपर सनराइज़ नहीं हुआ है, पर उसका इंतज़ार आपको करना पड़ता है, तो उसके थोड़ा सा वेट कर लेना, ठीक है? तो यार अभी जो व्यू आ रहा है ना भाई सूरज का, वो कैमरा से, जो मोबाइल के कैमरे से भाई पोर्ट्रेट नहीं हो पाएगा जितना अच्छा व्यू आ रहा है। तभी आपको ट्राई करता हूँ दिखाने का। भाई इंतज़ार करते करते परेशान हो गए हम लोग, पर भाई ये सनराइज़ नहीं हुआ। सीन क्या है ना यार कि एक्चुअली सनराइज़ होने में लगता है काफ़ी ज़्यादा टाइम, को अभी बादल भी आ गए हैं थोड़े से, आपको दिखाता हूँ मैं। ये जो साइड का एरिया है इसमें थोड़े थोड़े बादल हो गए हैं, जिसके कारण अभी सनराइज़ नहीं हो पाया। और यहाँ पे एक अंकल थे जिनकी, उनसे बात करी हम लोगों ने, जिनकी ये वाली बोट थी, उन्होंने हम लोगों से कहा है कि यार इतनी जल्दी अभी सूरज नहीं निकलेगा, सूरज निकलने में लगेगा टाइम, 8 ही बज सकता है। मैंने कहा यार 8 बज जाएगा तो इतना तुम लोग वेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज मुझे घर भी जाना है अभी। बिकॉज ऑफ दैट हम लोग अभी तो इतना हो पाया उतना हम लोग ब्लॉग बना लिए हैं, और स्टिल दो सूरज नहीं देख पाए, बट जो व्यू है ना यार इट्स एब्सोल्युटली मैजेस्टिक। यहाँ पे ना आपको उस साइड मंदिर भी देखने को मिल जाता है, मंदिर में हम लोग एंट्री आज नहीं लेंगे। अबे सूरज निकलने लगा, वो देखा, देखो भाई सूरज पूरा निकल चुका है, काफ़ी पिक्सलेटेड आ रहा है इसमें,
इट्स लुकिंग लाइक एन एब्सोल्यूट ब्यूटी यार। अगर मेरे पास DSLR होता तो काफ़ी अच्छे तरीके से मैं दिखा सकता था, ऐसे में तो नहीं आ रहा समझ में। यहाँ पे भाई नीचे जो ऐसे शेडो मार रही है लाइट, एंड इट लुक्स वेरी नाइस। काफ़ी अच्छा लगा यार, काफ़ी पीसफुल एरिया है। अभी तो वैसे बादलों के ऊपर चला जाएगा थोड़े टाइम बाद, तो इतने प्यार से नहीं दिखेगा। फिर जब और ऊपर निकलेगा तो अच्छा लगेगा, बट इतना हम लोग के पास टाइम नहीं है। इन द वे दैट द लाइट्स आर गोइंग आउट, लाइक वो देखो इधर इधर से ब्यूटी यार सच्ची। भाई अभी इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही है ना यार, जैसे ही मैंने भाई टाइम लैप्स के बाद अपना कैमरा उठाया उतने में ही भाई सूरज निकल आया, तो पूरा टाइम लैप्स बन गया। सूरज निकलने का टाइम लैप्स नहीं बन पाया, बट क्या कर सकते हैं यार, इट्स फाइन। बट यू नो कुछ चीज़ें सिर्फ एक्सपीरियंस ही आप कर पाते हो, बता नहीं पाते हो हर किसी को, और इट्स फाइन टू नॉट शो यू एवरीथिंग। यार ये वीडियो मैं एक गुड नोट पे एंड करना चाहता हूँ कि जैसे अभी मेरे साथ हुआ कि जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया वैसे ही सूरज निकलने लगा था, और टाइम लैप्स की पूरी फुटेज मैं नहीं ला पाया। बट दिस इज़ लाइफ, चलता रहता है यार, हर एक चीज़ आप अचीव नहीं कर पाते हो लाइफ में, एंड इट इज़ टोटली फाइन। ऐसा होना कोई बुरी बात नहीं है, आपको कभी भी अपने आप पे हेट नहीं करना चाहिए कि ऐसा हो गया या वैसा हो गया, जो मैं चाहता था वैसा नहीं हो पाया, बिकॉज गॉड्स प्लान में है भाई ये कि ऐसा ही होना था। आई डेफिनेटली गॉट टू फील दिस थिंग, फील दिस ब्यूटी, बट रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। कोई बात नहीं यार, लाइफ है, चलता है। आई वुड ऑल्सो सजेस्ट आप लोग यहाँ पे एक बार खुद आके इस ब्यूटी को देखें, खुद आके एक बार आप इस लुक को समझें यार। एंड या आई थिंक दैट वॉज इट फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, एंड वीडियो को शेयर कर लेना फ्रेंड्स के साथ। अब मैं चलता हूँ, एंड आई सी नेक्स्ट वन। बाय बाय।